नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशा, और सबसे पहले खबर की बात करेंगे जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, दोपहर 12 बजे रायपुर से जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे। 12:45 पर पहुंचेंगे ग्राम बिर्रा, जिला साहू संघ की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 2:20 पर रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और 3:10 पर रायपुर पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा समाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, मुख्यमंत्री के आज के खासे कार्यक्रम क्या क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जांजगीर चांपा के बिर्रा गांव के लिए रवाना होंगे और बिर्रा के दशहरा मैदान में जो साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगे। जांजगीर चांपा जिले से रवाना होने से पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कांकेर क्षेत्र में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और विद्यार्थी जो बेरोजगार युवक हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वो प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ विद्यार्थियों और युवाओं से उनकी बातचीत भी होगी। उसके बाद जांजगीर चांपा जिले के लिए रवाना होकर वहां पर बिर्रा जाकर साहू समाज के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और वापस करीब 3 बजे के आसपास वो रायपुर लौट आएंगे। चलिए ईमान, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां शराबबंदी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी पर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास के सामने प्रदर्शन होगा। महिला मोर्चा प्रदर्शन करेंगी, मटका लेकर महिला मोर्चा प्रदर्शन करने जा रही है और दोपहर 12 बजे बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदर्शन करेंगी। और लगातार हमारे साथ हेमंत लाइव जुड़े हुए हैं। जी हेमंत, एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ प्रमुख इनकी मांगे हैं? चुनाव नजदीक आते ही अब एक बार फिर से शराबबंदी का जो मसला है वो काफी तेज यहाँ पर हो गया है। सियासत इसमें सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आए हुए थे तो साइंस कॉलेज मैदान की सभा के दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि शराबबंदी का वादा 2018 के घोषणा पत्र में सरकार ने किया था, गंगा जल लेकर कसम खाई थी और उसके बाद अपने वादे से मुकर रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बातें कही उसके बाद लगातार पलटवार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। सोमवार को वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये स्पष्ट तौर पर कहा कि गंगा जल लेकर कसम हमने शराबबंदी के लिए नहीं खाई थी, बल्कि 15-10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए हमने गंगा जल की कसम खाई थी। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया था उस समय जब तत्कालीन वहां पर कांग्रेस नेता थे आरपीएन सिंह, जब वो रायपुर के दौरे पर आए थे तब उन्होंने गंगा जल लेकर ये बातें कही थी, कसम खाई थी कि कर्ज माफ 10 दिन के अंदर किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरीके से बातें कही जा रही कि गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, इसको पूरी तरीके से झूठ कांग्रेस की ओर से बताया गया था। मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप मोहम्मद अकबर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध में और मोहम्मद अकबर के इस बयान के विरोध में महिला मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आज करीब 12 बजे के आसपास भारत माता चौक में सभी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं इकट्ठा होंगे और वहां से के माध्यम से सीधे वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले आएंगी और वहां पर मटका लेकर प्रदर्शन होगा। शराबबंदी के मसले को लेकर लगातार अलग अलग रूपों में प्रदर्शन किया जा रहा था महिला मोर्चा के द्वारा, उसी कड़ी में ये पूरा प्रदर्शन आज होगा। हालांकि महिला मोर्चा के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है। मोहम्मद अकबर के बंगले के कुछ दूरी के पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाएगा। जी, और हेमंत, जैसा कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त शराबबंदी को लेकर के
जो आरोप मढ़ने की राजनीति है वो इस वक्त तेज हो चली है, और यही वजह है कि ये जो महिला मोर्चा का प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमने देखा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कि कांग्रेस ने इसको लेकर के अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अब बीजेपी अपने इस प्रदर्शन के अलावा भी सियासी बयानबाजी को लेकर बात की जाए तो कैसा रुख अपना रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बातें कही थी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने सारे मीडिया कर्मियों को एक वीडियो भी दिखाया था, और उसमें सीधे तौर पर जो गंगाजल की हाथ कसम खाई गई थी हाथ में लेकर, वो कर्ज माफी को लेकर था। लेकिन इसमें बीजेपी का एक और तर्क है कि ठीक है, आपने गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई, लेकिन आपके जन घोषणा पत्र में तो शराबबंदी की बात कही गई थी, और एक जन घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का गंगा जल समान के जैसा है। कुछ दिन पहले केदार गुप्ता, जो जन घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बातें कही थी, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने भी बात कही कि जो जन घोषणा पत्र होता है या घोषणा पत्र होता है किसी भी पार्टी का, वो गंगा जल के समान ही होता है, पवित्र होता है, क्योंकि वो चुनाव के दौरान आता है। तो ये बातें सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से भी कही गई थी। देखिए उजरा, ये शराबबंदी का मसला हर बार जिन की तरह निकल कर सामने आता है। समिति जरूर सरकार ने इसको लेकर बनाई है, विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, उसमें विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था कि वो समिति में शामिल हो। बीजेपी की ओर से भी नाम मांगे गए थे, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से नाम उस समिति में शामिल होने के लिए नहीं दिए गए थे। और समिति की अगर बात की जाए तो बिहार, गुजरात, जहां पर शराबबंदी पहले से है, उन राज्यों की स्थिति का अवलोकन वहां पर किया गया था कि शराबबंदी वहां पर हुई है तो वहां पर किस तरीके से भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां किस तरीके से बन रही है। और खबरें बीच में भी जिस तरीके से आई थी कि बिहार में जहरीले शराब की वजह से लोगों की मौत हुई थी, यानी शराबबंदी के बावजूद स्पष्ट तौर पर ये सरकार का दावा है, सरकार का तथ्य है बुसरा, कि सिर्फ शराब बंद करने से नशा मुक्ति यहाँ पर नहीं हो जाएगी, हर प्रकार के नशे को खत्म करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है, 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में ये बातें कांग्रेस की ओर से कही गई थी शराबबंदी की, लेकिन अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस के नेताओं का ही मानना है कि ये एक तरीके से सामाजिक बुराई है, और जब तक समाज के लोगों को जागरूकता इसको लेकर नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा पाना संभव नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।